तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल में फिर से एक बार। और आज मैं आया हूं एक ऐसी लोकेशन पे, वो लोकेशन ये है कि एक जगह है जो काफी सालों से बंद है, 20-25 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इसे बंद हुए हुए। और यहाँ के ऑनर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मेल किया। देखिए मैं उनकी ये चीज़ें आउट नहीं कर सकता कि क्या नाम है, कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन है, क्या है। उन्होंने मुझे मेल करके बोला कि प्लीज़ आप इस जगह को एक बार इन्वेस्टिगेट करिए, देखिए यहाँ पे कुछ है या नहीं है, आप यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताइए। और आप सभी को बता देता हूँ कि जो स्टोरी है वो बहुत अलग है। इस वजह से यहाँ के ऑनर ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आके थोड़ा टाइम रुकना, शूट कर लेना, वरना आप इतना लंबा शूट नहीं कर पाते, आप कब तक करोगे। तो यहाँ की सच्चाई बताइए सर तिवारी जी, ऐसा बताइए कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ही इज़ अ बिग मैन, रिच मैन यू कैन से। तो मैंने सोचा कि मैं निकलता हूँ इन्वेस्टिगेशन करने। बेसिकली मुद्दा ये था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करना था, आपको बता देता हूँ। बस लोगों को डर लगता है कि किसी भी जगह पे जाने से कि वहाँ पे कुछ ऐसा है तो नहीं जो मैं वहाँ पे जाऊँगा। काफ़ी लोग यहाँ पे रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्हें कुछ ना कुछ फील हुआ है। तो चलिए पहले लोकेशन देखते हैं, फिर आपको स्टोरी बताता हूँ क्या स्टोरी है। नहीं जाएंगे वरना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। एक ये भी हॉल है, देखिए एक ये बहुत बड़ा हॉल है काफी ज्यादा। और देखिए यहां पे आप देख के ये तो पहचान गए होंगे, नीचे देखिए एक बार कि यहाँ पे कोई नहीं आता जाता। और ये जगह भी हाईवे पे, अगर किसी को भी कोई शोर आ रहा हो तो ये जरूर समझना कि ये हाईवे पे, आपको पता है फैक्ट्रियां जो होती हैं वो काफी बड़े बड़े हाईवे पे होती हैं। आपको ये बता देता हूँ कि ये मानेसर में है, लाइक नियर टू मानेसर। काफी बड़ा एरिया है लेकिन मुझे इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया तो मैं इस जगह पे आऊंगा। काफी बड़ा एरिया है, देखिए यहां से पता चल रहा होगा काफी बड़ा एरिया है लेकिन वो जगह भी बंद कर रखी है पूरी है। देखिए ये जगह पूरी बंद कर रखी है। और अच्छा, काफी लोग ये बोलते हैं ना, मैं उन सबको जवाब दे देता हूँ, मैं ऐसी बात करने आया नहीं लेकिन बोल ही देता हूँ कि काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे हमारा तो ये होता है, हम वहां जा सकते हैं, हम तो जाते हैं, हम तो यहां बैठते हैं, हम तो वहां बैठते हैं, हमें डर नहीं लगता। सिर्फ आप कॉमेंट्स में बैठते हो जो हेटर्स लोग हैं। मैं हमेशा बात करूंगा यार, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं इतनी मेहनत करके किसी लोकेशन पे जाता हूं और पैसा खर्च होता है, इतना यूट्यूब नहीं देता। तो बोलते हैं कि भाई हमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। बस मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार ना किसी ऐसी लोकेशन पे जाके दिखाइए। मैं कह रहा हूं दो नहीं, चार लोग ही जाके दिखाइए। मैं रात को किसी को बोल दूंगा ना यहां पे 11, 11:30, 12 बजे आने के लिए, मैं 10 बजे बोल दूंगा। इस तरफ देखिए,
तो एक बंदा नहीं आ सकता, मैं गारंटी दे सकता हूं। जो लोग चैलेंज करते हैं उनके लिए, जो लोग बोलते हैं कि भाई आप तो ये वीडियो बनाते हो यहाँ तो कोई भी चले जाता है, मैं उनको बोल रहा हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो अच्छा अब काम करने लग गए हैं, मेरे को देख के खुशी भी होती है। और जो गलत दिखाते हैं मैं उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप किसी को ना डराइए ना किसी को झूठ बताइए, जो है सिर्फ सच बताइए। तो मेरा मोटो वही है, एक अवेयरनेस स्प्रेड करना सोसाइटी में कि लोग जान सकें कि उनको अपने बच्चों को ये बोलना है कि बेटा डरना नहीं है, बेधड़क कहीं भी निकल जाना किसी भी टाइम, अपने घर में ऐसी जगह पे तो बिल्कुल ना जाएं, लेकिन उनको डराइए मत कि वहां पे कुछ है। आपको पता है मैं अभी काफी टाइम पहले एक लोकेशन पे गया था, तो वहां कम से कम 20 से 40 जगह गुजरात में ऐसी थी कि बंद है सिर्फ इस वजह से, मतलब रेजिडेंशियल एरिया है वो, कि वहां पे लोगों को डर लगता है, वहां पे हॉन्टेड हाउस के नाम से वो ज्यादा मशहूर है। सोचिए इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी ऐसी वेस्ट हो जाती है। मैं तो कहता हूँ मुझे अलाउ करिए, मेरे को जाने दीजिए। तो आइए चलते हैं इस तरफ, ये एक एरिया है, कोई बात नहीं चमका। मेरा एक कैमरा मैन ना, मतलब ये बहुत डरता है, सिर्फ इसको चमगादड़ का इतना डर लगता है, डर मुझे भी लगता है, लेकिन इसको लगता है कि वो सामने हमें अटैक करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बार देखिए, देखिए कुछ होल बने हुए हैं, शायद मे बी नीचे का कुछ होगा रास्ता। ओके ओके, देखिए ये एरिया ना पूरा बंद कर रखा है, ये देखिए ये एरिया पूरा बंद कर रखा है, और यहां पे ये कुछ काम होता था, जो भी काम होता था मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या काम होता था, वेयर हाउस टाइप था ये। और ये देखिए नीचे, मतलब इस जगह की इतनी बुरी हालत हो गई है कि इसको ओपनिंग और देखिए यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है लाइट का, ये भी देखिए आप। थोड़ा जल्दी शूट कर रहा हूं मैं ये लोकेशन, क्योंकि मुझे बोला गया आप प्लीज यहाँ पे ज्यादा रात को नहीं जाइए, अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो फिर आप लेट नाइट यहाँ पे स्टे करना एक बार, मतलब ये हमारा एक डील या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो वो है। उन्होंने बोला पहले एक थोड़ा मतलब जल्दी जाइए, 12-1-2 बजे नहीं जाइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये एक रूम है देखिए, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये नया बनाया गया है देखो, लेकिन फिर भी ये भी काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पे स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा ना, यहाँ पे स्मेल भी आ रही है। और अब हम चमगादड़ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। यहाँ पे 7 सिक्योरिटी गार्ड रह चुके हैं, जिनमें से 4 लोगों ने खाली कर दिया और 3 बंदों की यहाँ पे डेथ हो गई है सिक्योरिटी गार्ड की। उनको इस जगह की रखवाली के लिए जगह दी गई थी, और ये जगह पे 3 डेथ हुई है, और वो एरिया ये है बिल्कुल एग्जैक्ट, ये एरिया है वो, आपको दूर से लगता होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ ना खड़े होके कि मैं ऐसे बोलूँ कि ये एरिया वो है जब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हुई है, तो मुझे बहुत कुछ फील हो रहा है सच में, मतलब अंदर से बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है, मैं समझा भी नहीं सकता, एक डर भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक, कोई आवाज आ रही है शायद रोड की हो सकती है, कोई बात नहीं। तो उनकी वजह से, सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से ये फैक्ट्री तो बंद हो ही गई, लेकिन ऐसी कोई चीज थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, तो ये कारण है यहाँ पे। और मेरी अभी तो नहीं, मैंने उनको बोला है कि मैं यहाँ पे 2 बार और आऊंगा, मैं वीडियो शूट करूँ ना करूँ वो बात का मैटर है, लेकिन पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ ऐसा चीज है या नहीं है, मुझे कुछ फील होता है नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे आज के टाइम पे ऐसी चीज हो चुकी है कि अगर कुछ नेगेटिविटी होगी ना मेरे को इंटरनली फील होने लगती है। और मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि मेरे साथ क्या हुआ, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
एग्जैक्ट नहीं रखेंगे अपना मोशन सेंसर लाइट। क्या? अरे मोशन सेंसर लाइट क्यों चल रहा? यार देखना मोशन सेंसर लाइट नहीं चल रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए आपके सामने है ये ऑटो भी किया तब भी नहीं चल रहा, ये नाइट मोड और ये कंटिन्यूस पे भी रखा तब भी नहीं चल रहा, तो चलिए ईएमएफ से करते हैं, शायद मे भी हो सकता है कुछ हुआ होगा। यार ईएमएफ भी नहीं चल रहा, एक बार लाइट कम करियो। यार ये कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, हल्की हल्की ब्लिंक आ रही है, हल्की की लाइट आ रही है, अभी तो चल रहा था जब मैंने निकाला था। कुछ आवाज आ रही है ऊपर से, अगर इसमें रिकॉर्ड हो देखो, है ना? कुछ टक टक। यार ये भी नहीं चल रहा, दिखाना मोशन सेंसर लाइट। फिर से आई, कुछ आवाज आ रही है, फिर आ रही है इस तरह। लाइट बंद कर, लाइट कुछ आवाज आ रही है ना? अब यहाँ से हो रही है, अब उधर से हो रही है लाइट। यार यहाँ पे टीन भी तो नहीं है ना, जैसे टीन होती है उनका अगर कुछ शोर मच रहा हो तो पता चले, कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसी चीज है जो टीन को डिस्टर्ब भी नहीं। बस पूरी लाइट जला दे, पूरी लाइट जला। ऊपर की तरफ दिखाओ, ऊपर की तरफ। यार अब आवाज बंद हो गई है, देखिए बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको बताता हूँ, मेरे साथ ये हमेशा होता है जब मैं किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाता हूँ। लेकिन गाइस यू वोंट बिलीव, ये मैंने अभी एक बार फिर से चेक करना है, जस्ट किट बैग से निकाला है और सब कुछ है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि कुछ वो हो। देखो लाइट जल रही है, देखो एक बार लाइट लो करियो, बहुत लो, देखना देखो नहीं हो रहा ना, एक सेकेंड रुक जाओ, हल्का सा लाइट ना, कुछ है फुटस्टेप्स की वजह या फिर कोई पास आया, बोलते कोई है, क्या कोई है यहाँ पे? यू वोंट बिलीव गाइस, देखो ये देखो आ रहा है, क्लियर है, क्लियर क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है, क्लियर रिकॉर्ड है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चीज हमें फंबल कर रही है, कोई चीज मतलब हमें परेशान कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज यहाँ से बार बार आ जा रही है, मेरे आसपास से निकली है। देखो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं भाई, ये लाइट जला दे, कोई माने या ना माने, मैं इस चीज को अभी भी बोलता हूँ, कोई माने या ना माने,
ये देखो ईएमएफ मीटर अभी आपने देखा था, अगर स्टार्टिंग में देखा हूँ, ये देखो इसमें लाइट जल रही है फिर बंद हो रही है, देखो अभी रुको, हल्का हल्का लाइट जला, नहीं इसमें नहीं पता चल रहा, अभी रुक जाओ, ये नहीं चल रहा। मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, कुछ अलग सी वाइब्स आ रही है मुझे इस जगह पे, आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप में से कोई भी है। ये देखो यार, मैं कैसे प्रूफ दूं आपको इस बात का, ये देखो मुझे सच में कुछ फील हो रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये देखो मेरे पैर के रोंगटे तक खड़े हो गए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे आसपास से कोई निकल रहा है, मे बी हो सकता है वो सिक्योरिटी गार्ड की कोई स्पिरिट या कोई भी ऐसी एनर्जी जो यहाँ पे हो, जो एग्जिस्ट करती हो। आई एम सो सॉरी गाइज, ये नहीं चल रहा, आई डोंट नो ये क्यों नहीं चल रहा, ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ पहली बार किसी लोकेशन पे हुआ है और आज तक नहीं हुआ, ये आज तक कभी मेरे साथ नहीं हुआ। यार मेरे फेस पे स्वेटिंग देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी सफोकेशन भी हो रही है, बंद एरिया क्या हुआ ऊपर चमका दो यार, बट आवाज कुछ ऐसी फील या कुछ ऐसी चीज, यार मेरा मीटर ये सब बंद हो गया एकदम, ये टॉर्च तो चल रही है खैर ये चल रहा है, पता नहीं ये कैसे बंद हो गया, मैंने जैसे किट बैग से निकाला था मैं बात बता रहा था आपको कि एकदम ये बंद हो गया, ये मैंने दोनों चेक करे क्योंकि कभी भी मैं घर से निकलता हूँ सब कुछ चेक होता है हमेशा, बैटरी लाइट टॉर्च इवन हर एक चीज़, लेकिन ये पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ किसी जगह पे, आई डोंट नो क्या है, मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए अभी, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से आऊँगा और शायद दोबारा इसको दिखा के या चेक करके, और अगर ये बाद में चलता है क्या हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट कुछ तो है, देयर इज समथिंग फिशी हियर जो कि मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है और अभी मैं इस बात पे श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ जिसके लिए मैंने ये काम किया है सर, मैंने जिस रीज़न से मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन ये क्यों नहीं चला क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आगे की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चाहे दो बार मुझे तीन बार पांच बार आना पड़े तो मैं यहाँ पे ज़रूर रुकूंगा, और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फैमिली को सस्ती वाली फैमिली को भी बोलना चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी गाइज आपने देखा यहाँ पे जो भी हुआ, और बस यहाँ से मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ बाहर जाके बात करता हूँ आपसे, ये छोड़ो बाहर जाके बात नहीं करूँगा मैं, दोबारा डायरेक्ट यहाँ पे ही आके आपसे बात करूँगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम स्नैपचैट हर जगह फॉलो कर लेना, बस अभी कुछ बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों इतना सब कुछ हो रहा है, आई डोंट नो।